हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा, विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास एट्थ में चैप्टर एट आखिर कितनी ज़मीन के रिमेनिंग पार्ट की रीडिंग करते हैं। ओके, यस। देखिए बेटा, दीना ने सिर हिलाया, जेब से रुपए निकाले और गिनकर टोपी में रख दिए। उसने कोट उतारा, रोटी, पीने का पानी, फावड़ा लिया, पैंट को कसा और धरती पर निगाह डाले, यानी धरती नापने के लिए चल दिया। जहाँ नज़र डालता था जमीन बढ़िया नज़र आती थी। सोचता रहा कि किस तरह चलना बेहतर होगा। आखिर उसने तय किया कि पूरब की ओर ही चलना बेहतर होगा। बेहतर यानी अच्छा। दीना ने सोचा कि वक्त नहीं खोना चाहिए, ठंड ठंड में जितना रास्ता तय हो जाए उतना ही अच्छा है। फावड़ा कंधे पर रखकर उसने लंबे कदम बढ़ाए। 1001 मीटर चलने पर उसने गड्ढा किया और ऊँची घास चिन दी। उसके बदन में अब चुस्ती आ गई थी, चाल तेज हो गई। कुछ देर बाद दूसरा गड्ढा किया। अब सूरज की धूप में टेकड़ी साफ दिखाई पड़ रही थी, सूरज की गर्मी बढ़ रही थी। उसने बास्केट उतारकर कंधे पर डाल दी। गर्मी बढ़ती जा रही थी, उसे भूख भी लग गई। उसने सोचा, एक पहर बीत गया है, कुछ खाना पीना भी हो जाए, अभी तो 3 पहर बाकी हैं, अभी 4-5 किलोमीटर और चला चल। ऐसी उम्दा जगह यानी अच्छी जगह हाथ से जाने देना मूर्खता होगी। जितना आगे बढ़ा जमीन और अधिक उम्दा मिलती गई। चलो जूते उतार लूँ और लंबे कदम बढ़ाऊँ। दीना ने जूते उतार लिए, वह सीधा चलता गया। अब उसे टेकड़ी ठीक से दिखाई नहीं देती थी। टेकड़ी पर खड़े हुए कोल छोटे छोटे जंतुओं जैसे दिखाई पड़ते थे। उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ था और प्यास भी लग रही थी। यहाँ ठहर कर उसने गड्ढा खोदा, घास चिन दी, पानी पिया और बाईं ओर चढ़ने लगा। सूरज तेजी पर था, गर्मी बढ़ गई थी, दोपहर हो गई थी। दीना अब थकने लगा, कदम उठाने भारी हो रहे थे। दीना ने सोचा, क्षण भर सांस ले लूं। वह बैठ गया, रोटी खाई और पानी पिया। पानी घट का मन होता था कि लेट जाए, पर डर था कि कहीं नींद ना आ जाए। सोचा, खाना खा लिया है, अब कुछ जान आ गई है, तकलीफ़ तो घड़ी दो घड़ी की है और आराम जिंदगी भर का। यह विचार आते ही वह उठ खड़ा हुआ, आंखों से नींद गायब हो गई। उसने लंबी राह नापी, वह बाईं ओर मुड़ने ही वाला था कि आगे ज़मीन और उपजाऊ दिखाई दी। दीना ने सोचा, यहाँ बड़ी अच्छी फसल होगी, इसे छोड़ना मूर्खता होगी। यह सोचकर आगे बढ़ा, गड्ढा खोद कर निशान बना दिया। अब दूसरी ओर मुड़ा, गर्मी के मारे बुरा हाल था, टेकड़ी पहचानी भी नहीं जाती थी। वह तेज़ी से तीसरी दिशा में बढ़ा। तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए उसने देखा, सूरज ढलान की ओर बढ़ रहा है। वह 2-3 किलोमीटर गया होगा कि सूरज नीचे होता दिखाई देने लगा। दीना ने सोचा, खेत की दो बाजू काफ़ी लंबी हो गई हैं, एक तरफ छोटी भी रह गई तो क्या, अब लौटना चाहिए। यह मुकाम से बहुत दूर था, अंजाम लगाया लगभग 15 किलोमीटर दूर होगा। गड्ढा खोद कर दीना ने निशान लगाया और टेकड़ी की सीध में चल दिया। यस बेटा, लालच बुरी बला है, अभी तक यही आया है। ओके, तो नेक्स्ट जो अभी रिमेनिंग पार्ट बचा है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, बाय बेटा।